हाय, हेलो एंड वेलकम। फिजिक्स फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग नीट का सीरीज करेंगे। इसमें प्रीवियस 30 इयर्स का ऑलमोस्ट नीट और IIPMT मिला के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, एक चैप्टर का 2-3-4 लेक्चर आ सकता है। जिस चैप्टर का वेटेज कितना है वो भी हम बोल देंगे लेक्चर के अंत में, कि इस चैप्टर में नीट में कितना मार्क्स आता है प्रीवियस ईयर के स्टडी से, और इसका प्रॉब्लम हम करेंगे। जिन जिन को मालूम है, थ्योरी पूरा क्लियर है, जिन जिन को, वो डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मेरे साथ कंपेयर करें। और जिसका थ्योरी थोड़ा वीक है, मैं हर एक प्रॉब्लम में थ्योरी भी डिस्कस करूंगा साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कम से कम 2 क्वेश्चन तो आता ही है, तीन क्वेश्चन भी आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मार्क्स है। 8 मार्क्स और 12 मार्क्स नीट में बहुत है। तो 2 क्वेश्चन पकड़ के हम चलेंगे। तो 2 क्वेश्चन इससे आएगा और हमको करना ही करना है। ठीक है, तो जो जो लॉजिक है हर एक प्रॉब्लम का हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोल्यूशन कर देंगे, बुक में जैसा रहता है, ऐसा नहीं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो थ्योरी है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन एक रेजिस्टेंस के बारे में, क्लास 10 का टॉपिक है, बहुत सिंपल है। क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, तो बहुत सिंपल है कि एक रेजिस्टेंस है, एक वायर, उसका रेजिस्टेंस है आर ओम। ठीक है, तो उसको हम गला के उसको खींच के देखिए, उसको स्ट्रेच करके एन टाइम्स बढ़ा दिए। तो अगर उसका लेंथ एल था, उसको हम बढ़ा करके कितना टाइम्स किया? एन टाइम्स की। तो उसका जो नया जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? ठीक है, चलिए नया रेजिस्टेंस निकालते हैं, एकदम इजी है। तो मतलब रेजिस्टेंस किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये हम लोग को याद है। रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रो क्या है? रो मतलब ये जो मेटेरियल से बना है जो वायर, उसका रेजिस्टिविटी, उसका रेजिस्टिविटी क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, आपको यहाँ पे वायर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वायर जो है वही है, वायर इट इज नॉट चेंजिंग। सो रो विल रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर बोथ द केसेस। नाउ एल इज द लेंथ फॉर द फर्स्ट केस। पहला जो केसेस का लेंथ ए है और इसका एल है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है। पकड़ लीजिए कि ये है आपका कॉन्टेक्ट। अब इसको आप खींचेंगे तो क्या होगा? ये खींचेंगे तो इसका लेंथ बड़ा होगा और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो घट जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एक चीज क्या है? इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ या ना, बोलिए। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, सेम है वॉल्यूम, मटेरियल तो सेम ही है उसमें। अब खींचिए कोई भी आप शेप बनाइए, इसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। दिमाग में बैठा दीजिए, सरफेस टेंशन में काम में आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो सेम। तो वॉल्यूम क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ है वॉल्यूम। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए डैश है, ये एल है, ये एल डैश है। तो ये कितना है? इसका एन टाइम्स है। ठीक है ना, इसका एन टाइम्स है लेंथ, ये हमको मालूम है। इसका लेंथ हम एल टाइम्स करते। तो पहला वाला जो वॉल्यूम था वो कितना था? एल क्रॉस ए था। अब नया वाला जो वॉल्यूम है वो भी, वो नया वाला वॉल्यूम नहीं होगा, वो सेम ही होगा वॉल्यूम। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एल डैश ए डैश लिख सकते हैं, एल डैश इंटू ए डैश। हाँ या ना, देखिए। अब एल डैश कितना होगा? एन एल हो गया, और ए डैश हमको मालूम नहीं। तो दोनों को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो क्या होगा? ये दोनों को, दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे तो एल ए, सो ए डैश कितना होगा? ए डैश होगा ए बाई एन होगा। ठीक है, तो नया वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो एन टाइम्स कम होगा। अब लेंथ जितना टाइम्स बड़ा करेंगे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। मैं ये एकदम बेसिक से बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग अगर एक्सपर्ट हो तो खुद ट्राई कीजिए, फिर मेरे साथ प्रॉब्लम आप जो आंसर है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन जो है वो एन से हम डिवाइड कर दें। चलिए, अब हम नया वाला रो जो नया वाला जो आर है उसको हम ढूंढेंगे।
रो इंटू एल, नया वाला एल और नया वाला क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो एल डैश कितना है एन इंटू एल है, और ए डैश कितना है ए बाई एल है, ये देखिए ठीक है बैठा दिए, तो कितना होगा रो इंटू एल बाई ए, ये एन ऊपर चला जाएगा तो एन स्क्वायर होगा, मतलब ये ए वाला क्या है, ए वाला है आपका रेजिस्टेंस उसके साथ एन स्क्वायर, तो आठ दस नया रेजिस्टेंस जो होगा वो एन एन स्क्वायर टाइम्स होगा किसका पहले वाला रेजिस्टेंस, सो बी आंसर। जिन जिन का आंसर बी आया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है देखिए आप कंपेयर कर लीजिए, ये एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, एकदम सिंपल चीज़ है, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन के और चलते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकलना है, देखिए ए और बी पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस है, मतलब इधर पे अगर हम एक वोल्ट मीटर लगाएंगे तो कितना वोल्टेज आएगा, चार ऑप्शन है हम लोगों के पास, एकदम सिंपल टॉपिक है, बेसिक ओम्स लॉ से हो जाएगा, बेसिक एकदम ओम्स लॉ से हो जाएगा, ठीक है तो चलिए करते हैं। ये देखिए ये इस सर्किट को हम इधर पे ड्रॉ कर लेते हैं, हाँ अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है सिर्फ ओम्स लॉ मालूम है उससे भी हो जाएगा, मैं थोड़ा सा एक दो एक कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ आपको, उसी से काम चल जाएगा। हम लोग क्या निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच में वोल्टेज निकालना है, देखिए यहाँ पे 2 एम्पीयर करंट जा रहा है, इधर से 2 एम्पीयर करंट जा रहा है तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, हाँ या ना, तो पकड़ लीजिए कहीं पे भी अगर आपको ऐसा एक रेजिस्टेंस मिला उसके भी उसके थ्रू अगर ऐसे करंट आई जा रहा है तो इधर पे एक आई आर वोल्टेज ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा आई आर, मतलब रेजिस्टेंस है वो खा लेगा इतना वोल्टेज आई आर वोल्टेज, ठीक है। करंट जब भी फ्लो करता है उसका कोई पोटेंशियल होता है तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप करवा देगा, कौन कराएगा ये रेजिस्टेंस करेगा उसका वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना, तो ये आया वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसका जो पोलैरिटी होगा वो ऐसे होगा, जहाँ से करंट निकलेगा उधर नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब घट रहा है ऐसे, करंट जब पॉजिटिव से निकलता है मतलब वो पोटेंशियल गेन करके निकलता है और नेगेटिव से जब निकलता है पोटेंशियल घट जाता है उसका, ठीक है एकदम दिमाग में बैठा दीजिए, करंट रेजिस्टेंस के थ्रू में जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही होगा क्योंकि रेजिस्टेंस वोल्टेज खा लेगा, इसीलिए पोटेंशियल ऐसे अपीयर होगा, करंट नेगेटिव से निकल रहा है मतलब करंट नेगेटिव से निकल रहा है मतलब उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्लियर। तो कितना ड्रॉप होगा अभी इधर पे बोलिए बोलिए, 2 to 4 तो यहाँ पे 4 वोल्ट ड्रॉप होगा, पोलैरिटी कैसे होगा ये माइनस इधर पे प्लस होगा, सेम इधर पे 2 वोल्ट ड्रॉप होगा इधर पे माइनस इधर पे प्लस, फिर से हम इसको रीड्रॉ करेंगे इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस राइट नाउ विल ड्रॉ इट एज अ वोल्टेज, ओके देखिए ए है और बी है, ये इसको हम रेजिस्टेंस के सिवा एक वोल्टेज भी दे सकते हैं, वोल्टेज सोर्स देखे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए ठीक है इधर पे 3 वोल्ट जैसा है वैसे ही इधर पे 2 वोल्ट है तो 4 3 7 8 9 वोल्ट, तो इधर पॉजिटिव है बाएं तरफ पॉजिटिव है और सभी सेम ऑर्डर में लगा हुआ है सभी सेम ऑर्डर में, मतलब सभी का लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, देखिए सभी का लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, अगर एक उल्टा रहता तो हम लोगों को कैलकुलेशन दूसरे तरीके से होता, पहले मैं ये कर लेता हूँ फिर वो भी बोल दूंगा, ये 4 3 और 2 मतलब 9 वोल्ट हो गया, तीनों को ऐड कर दिए तो ए हो गया आपका हायर पोटेंशियल, बी हो गया आपका लोअर पोटेंशियल, मतलब हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला है ए माइनस बी, मतलब ए हायर पोटेंशियल है बी लोअर पोटेंशियल है और बी ए माइनस बी भी कितना है प्लस 9 है, इधर पर माइनस 9 ऑप्शन होने से भी प्लस 9 ही होता, क्यों क्योंकि ए जो है वो हायर पोटेंशियल है और बी लोअर पोटेंशियल है इसीलिए प्लस 9, ये अगर बी माइनस ए बोलता कि पोटेंशियल वी बी ए और वी बी माइनस वी ए देन इट विल बी माइनस 9, व्हाई बिकॉज बी इज कनेक्टेड विद द लोअर पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है प्लस के साथ कनेक्ट है इसीलिए ए हायर है बी लोअर है वी ए माइनस वी बी प्लस 9 है, वी बी ए कितना होता वी बी माइनस वी ए क्या लिखते हम माइनस 9, ठीक है। और एक बात अगर पकड़ लीजिए कि ये उल्टा लगा हुआ है ये 3 वोल्ट बाकी सब सेम है तो ये देखने में ऐसा होता ये 4 ये 2 ये 3 ये 4 और 2 मिला के कितना होगा 6 होता, ये दोनों देखिए सेम, इसका लेफ्ट साइड पॉजिटिव है इसका भी लेफ्ट साइड पॉजिटिव है
तो दोनों को मिला के हम 6 लिख देते और 3 को ऐसे छोड़ देते। ठीक है, देखिए ये सीधा है, ये उल्टा है, ये ज़्यादा है तो 6-3 कितना है, 3 वोल्ट है। 6-3 क्यों नहीं किए, क्योंकि जो बड़ा है उसी को उसी का पोलैरिटी लिए। देखिए 6 बड़ा है तो उसी के जैसे पोलैरिटी लिए, उसका लेफ्ट साइड पॉजिटिव है राइट साइड नेगेटिव है, वैसे ही लिए। ठीक है, तो ऐसे रहने से हम वी ए बी इक्वल टू 3 लिखते। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरा जिससे जस्ट कॉन्सेप्ट सिखाना है। प्रॉब्लम इधर पे खत्म हो गया, हम लोग का प्रॉब्लम इधर पे खत्म हो गया। सो +9 वोल्ट इज द आंसर। जिन जिन का +9 वोल्ट आया पहले उनको बधाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। नीट 2016 में पूछा गया था, बढ़िया सवाल, एक प्यारा सा सवाल। देखिए ये बल्ब प्रॉब्लम है। हाँ, बल्ब का 2-3 तरीका का प्रॉब्लम होता है, हम लोग करेंगे आते आते। तो इधर पे बल्ब का बहुत सिंपल प्रॉब्लम किया हुआ है, तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम दे ना तो सर्किट ड्रॉ करना है हम लोगों को। ठीक है, वो दिमाग में रखिए आप लोग कि सर्किट हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो देखिए एक बल्ब है, कोई भी बल्ब होता है तो उसका रेटिंग होता है। कौन कौन सा रेटिंग होता है एक बल्ब का? एक बल्ब का एक वाटेज रेटिंग होता है और एक वोल्टेज रेटिंग होता है। मतलब अगर उस बल्ब के अक्रॉस में हम उतना वोल्टेज दे पाए, एकदम उतना, तो बल्ब का ब्राइटनेस जो होगा मैक्सिमम होगा, और वो पर सेकेंड 500 वाट करके 500 वाट कर जूल करके काम करेगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेटिंग ऑफ बल्ब। ठीक है, तो देखिए एक बल्ब है जो फिलामेंट बल्ब होता है, उसके ऊपर लिखा होता था वोल्टेज और वाटेज रेटिंग लिखा होता है। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बल्ब का कितना है वोल्टेज, वोल्टेज रेटिंग है 100 वोल्ट, मतलब इसका अक्रॉस में अगर 100 वोल्ट डाल देंगे तो ये एकदम ठीक ठाक जलेगा, एकदम ब्राइटनेस उसका पूरा पूरी आएगा। ठीक है, और ये वाटेज रेटिंग है, मतलब पावर रेटिंग है इसका 500 वाट। ठीक है, तो फॉर्मूला जो आता है पावर का, वो है पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, विच इज एसोसिएटेड विद वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। करंट के सिवा अगर हम वोल्टेज निकाल सकते हैं तो ये है। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आर इक्वल टू होगा वी स्क्वायर बाय पी। तो वी कितना है बोलिए, वी है 100, तो 100 × 100, और ये पावर रेटिंग है 500। सो 20 ओम, 20 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। नाउ क्या करने के लिए बोले कि व्हेन अ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज इट वर्क्स परफेक्टली एंड अ बल्ब कंज्यूम्स 500 वाट। ओके, देखिए ये 100 वोल्ट रेटिंग का बल्ब है, इसको अगर हम 230 वोल्ट में डालेंगे तो ये बल्ब जल जाए, ओवर वोल्ट के कारण बल्ब फूट जाए, इसका जो फिलामेंट हो गल जाएगा। तो क्या करना है, इसको प्रॉपरली चलाने के लिए इसके अक्रॉस में फिलामेंट जो इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज आना चाहिए, 100 ही आना चाहिए। तो 230 वोल्ट आ रहा है सप्लाई, अभी आपके पास 230 वोल्ट है, लेकिन ये बल्ब 100 वोल्ट में चलेगा। ये पकड़ लेते, ये बल्ब का फिलामेंट है, इसका रेजिस्टेंस हमको मालूम है 20 ओम। इधर पे और एक रेजिस्टेंस डाल देंगे जो ये वोल्टेज को खा लेगा, मतलब इसके अक्रॉस में वोल्टेज 100 ही रहेगा, बाकी 130 वोल्ट ये आर के अक्रॉस में। ठीक है, ठीक है, बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का, हम बोल रहे किससे आसान होगा। देखिए ये 20 ओम है, इसको अगर आप 100 वोल्ट के अक्रॉस में लगाएंगे तो कितना करंट फ्लो होगा बल्ब के अक्रॉस में, 5 एम्पीयर होगा, है ना। बोलिए पहले केस, ये केस नहीं, पहला वाला केस में अगर 100 वोल्ट अगर ऐसा कुछ होगा 20 ओम का बल्ब, अगर आप 100 वोल्ट के सप्लाई में लगाएंगे तो करंट कितना फ्लो होगा इसमें, 5 एम्पीयर फ्लो होगा, आई इक्वल टू वी बाय आर, तो इसमें भी 5 एम्पीयर ही फ्लो होगा, तभी जाके ये इसका जो वाटेज रेटिंग है वो ही होगा इसका 100 वोल्ट होगा। ठीक है, 5 एम्पीयर फ्लो होगा तो 5 × 20 इसका 100 ही होगा ना। ठीक है, चलिए तो ये करंट कितना होना है, करंट 5 एम्पीयर होना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू इधर पे कितना वोल्ट दे रहे हैं, 230 वोल्ट दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का समेशन होगा। रेजिस्टेंस कितना है 20 + R है, इसके ऊपर में वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट है,
वी बाय आर इक्वल टू करेंट। दूसरा तरीका भी है, ये सिंपल है। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 5R इक्वल टू 230, 5R इक्वल टू 130, R इक्वल टू कितना आएगा, R इक्वल टू बोलिए 26 ओम है ऑप्शन में, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बल्ब का प्रॉब्लम है, मतलब बल्ब का जो रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग और वाटेज रेटिंग, उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, और उससे वो रेजिस्टेंस से एक करंट भी निकाल सकते हैं। तो कितना करंट जाना चाहिए ताकि वो 500 वाट कंज्यूम करेगा। देखिए ना आई कितना आया था, 5, तो 5 स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू आर पावर रेटिंग है, आई स्क्वायर कितना होगा, 25 इंटू आर इंटू 20 कीजिए आप, 500 ही आएगा, सेम ही आएगा बल्ब 500 वाट, ठीक है। तो इधर पे 100 इधर, और तो मतलब यहाँ पे 100 वोल्ट कंज्यूम होगा, यहाँ पे 130 वोल्ट कंज्यूम। दूसरा तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये 5 एम्पियर है तो ये 5 इंटू 20 100 हो गया, ये 5 इंटू आर आपको 130 मालूम है आपको, क्यों 230 है तो 100 प्लस 130 230 होगा, इसके एक्रॉस में 100 वोल्ट ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं, तो बाकी 130 वोल्ट किधर जाएगा, ये रेजिस्टेंस खाएगा। तो I इंटू आर इक्वल टू 130, आई 5 मालूम है आपको, तो 130 बाई 5 26, ऐसे भी कर सकते, ठीक है। तो ये हम बहुत ही इजी प्रॉब्लम था बल्ब का। तो बल्ब का रेटिंग से हमको पहले क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है बल्ब का, हमेशा कोई भी बल्ब का प्रॉब्लम है तो पहले ये रेजिस्टेंस निकालो फिर प्रॉब्लम करो। ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर लुक करते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आर वेरीज द टाइम टी एस क्यू इक्वल टू ए टी माइनस बी टी स्क्वायर पर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। मतलब इसका जो चार्ज है और रेजिस्टेंस के थ्रू जो चार्ज फ्लो रहा है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, टी इज द टाइम, ओके, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब टाइम ऐसा नहीं है कि अभी 10 कूलम है तो बाद में भी 10 कूलम है, ऐसा नहीं, टाइम बढ़ेगा वो बढ़ेगा घटेगा ऐसा होगा कुछ, ठीक है। देखिए टाइम अंदर में टाइम, ठीक है, तो जो चार्ज है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी क्या निकालना है हम लोगों को, द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द आर, टोटल कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब आई स्क्वायर आर टी निकालना है हम लोगों को, ठीक है। एच इक्वल टू कितना है, एच इक्वल टू क्या है, एच इक्वल टू है आई स्क्वायर आर टी, ये निकालना है, ठीक है। अप टू द इंस्टेंट व्हेन इंस्टेंटेनियस करंट इज जीरो, मतलब करंट जब तक जीरो नहीं हो जाता, करंट जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक हमको हीट निकालना है, ठीक है। लेकिन जो बात होगा, ये जो करंट होगा ये भी टाइम वेरिंग होगा, तो ऐसे नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमको इंटीग्रेशन के हेल्प लेना पड़ेगा। क्यों बोल रहे हैं, तो पहले जो करंट दिया हुआ है यहाँ पे चार्ज जो दिया हुआ है, इससे करंट कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डी क्यू डी टी करने से करंट निकल जाएगा, क्या होगा डेरिवेटिव करने से, ये आ जाएगा ये 2BT, ये हो गया आपका करंट, हो गया I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी ए माइनस 2BT, जस्ट डेरिवेटिव किया कुछ नहीं, जस्ट डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि अप टू द इंस्टेंट व्हेन इंस्टेंटेनियस करंट इज जीरो, तो करंट कब कब जीरो है वो निकालना है हमको, देखिए। तो हम लोगों को ये जो अप टू द इंस्टेंट व्हेन इंस्टेंटेनियस करंट इज जीरो, इसमें फोकस करना है, तो करंट कब कब जीरो है। देखिए अगर ये चार्ज के इक्वेशन में अगर टी इक्वल टू जीरो पकड़ेंगे तो यहाँ पे चार्ज जीरो हो जाएगा, तो जीरो होगा तो करंट भी जीरो ही होगा, मतलब जब टाइम टी इक्वल टू जीरो है तब आपका करंट जीरो होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज जीरो है इसीलिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे करंट को जीरो करेंगे तो जीरो इक्वल टू ए माइनस 2BT आएगा, मतलब टी इक्वल टू जब ए बाई 2B होगा तब भी आपका करंट जीरो है। तो दो इंस्टेंट मिल गया हमको कि जब टाइम जीरो होगा तब भी करंट जीरो होगा, और जब टाइम टी इक्वल टू ए बाई 2B होगा तब भी करंट जीरो होगा, उसके बीच में करंट बढ़ेगा फिर घट के जीरो हो जाएगा। तो करंट जीरो से शुरू होकर फिर जीरो होगा, उसके बीच में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा वही निकालना है हमको। पहले क्यों जीरो है, मतलब टाइम जब जीरो है तो चार्ज कुछ नहीं है इसलिए करंट भी जीरो है, फिर जाके हम करंट को जीरो किए तो यहाँ पे हमको टाइम मिला ए बाई 2B, फिर जाके ए बाई 2B टाइम पे करंट फिर से जीरो होगा, इसके बीच में हमको क्या निकालना है, टोटल हीट निकालना है। ओके तो हम क्या करेंगे,
आई इक्वल टू जीरो कब होगा जब टी इक्वल टू जीरो होगा, और आई इक्वल टू जीरो तब होगा जब टी इक्वल टू ए बाई टू भी है। ओके अब ये जो इसको हम हटा देते हैं, क्या था आई इक्वल टू कितना था, आई इक्वल टू था टी माइनस सॉरी आई इक्वल टू था ए माइनस टू बी टी, ये था आई इक्वल टू ए माइनस टू बी टी। एज द करंट इज टाइम वेरिंग, करंट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, सो ऐसे यहाँ पे आई का वैल्यू पुट करने से नहीं होगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये जो करंट है ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। स्मॉल स्मॉल टाइम इंटरवल में हमको हीट निकालना है, तो पकड़ लीजिए कि डी एच हम निकालेंगे छोटा छोटा हीट, छोटा टाइम इंटरवल के लिए छोटा हीट होगा। तो अगर दोनों दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे हम तो बड़ा हीट मिल जाएगा हमको, ठीक है। दोनों तरफा देखिए इंटीग्रेट कर लिया, तो इधर पे एच हो गया। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, देखिए टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू ए बाई टू बी तक करेंगे। आई का वैल्यू बैठा देते हैं, आई कितना है, ये प्रॉब्लम में और कुछ बचा नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फटाफट इंटीग्रेशन करते चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको इसको पहले होल स्क्वायर के फॉर्मूला में डालना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जीरो टू ए बाई टू बी, आर जो है वो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो इसको अगर हम स्क्वायर के फॉर्मूला में फेलेंगे तो ये ऐसा होगा स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी टी प्लस फोर ए बी प्लस फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन जीरो टू ए बी है, इधर पे डी टी है सॉरी। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर टी माइनस फोर ए बी टी स्क्वायर बाई टू प्लस फोर बी स्क्वायर टी क्यूब बाई थ्री, ठीक है। जीरो टू ए बाई टू इंटीग्रेशन शायद आपको मालूम ही है, मैं टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, हाँ इसीलिए थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स कुछ नहीं है, है नहीं इधर। तो ए स्क्वायर टी का वैल्यू बैठेंगे कितना, ए बाई टू बी माइनस फोर ए बी, टी का वैल्यू ए बाई टू बी मतलब ए स्क्वायर बाई फोर बी, फोर बी स्क्वायर टी क्यूब बाई थ्री मतलब ए क्यूब बाई एट बी क्यूब, ठीक है। तो इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए क्यूब बाई बी कॉमन लिख सकते हैं, तो इधर पे हाफ रहेगा, इधर पे अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो ये बी बी ए बी स्क्वायर होगा, ठीक है, ए बी स्क्वायर होगा, तो एक बी कट जाएगा, एक बी रहेगा वो कॉमन बाहर निकल गए, तो इधर पे फोर फोर कट गया तो हाफ रहेगा, इधर पे बी स्क्वायर ये कट के एक बी रहेगा, मतलब वन बाई सिक्स रह जाएगा, ठीक है। तो आंसर रहेगा आर ए क्यूब बाई सिक्स बी, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है अभी। चलिए तो प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी है और कुछ है नहीं, थोड़ा सा लेंदी है, हाँ प्रॉब्लम समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है। ओके चलिए, तो चार्ज था, करंट निकाल लिए, फिर करंट टाइम भरेंगे इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं फेल सके हम, इसीलिए इंटीग्रेशन करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2015 में पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग ये मतलब बहुत लोगों से गलती हो गई। तो कौन सा क्या क्या गलत क्या चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट लोग एक गलती करते हैं, तो क्या क्या वो है डिस्कस करेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांच नंबर क्वेश्चन आज का, टू मेटल वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं, पहले ये एक मेटल वायर है और एक मेटल वायर है, दोनों का क्या है डायमेंशन सेम है, मतलब इधर पे भी ए है, इधर पे ए है, ये एल है, ये एल है, इसको सीरीज में जोड़ दिए, ठीक है। इफ रो वन एंड रो टू आर द सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर द कॉन्डक्टिविटीज, कॉन्डक्टिविटी बोल रहे हैं, रेजिस्टिविटी नहीं दिया है, कॉन्डक्टिविटी दिया हुआ है ऑफ द मेटल वायर रेस्पेक्टिवली, देन द इफेक्टिव कॉन्डक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव कॉन्डक्टिविटी क्या है ये निकालना है। तो ये देखिए ये
ये इसका कंडक्टिविटी रो वन है, इसका सिग्मा वन है, इसका सिग्मा टू है, तो इसका रेजिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो इन टू एल बाई ए, और सिग्मा जो है कंडक्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, ये आर वन है, ये आर टू होगा आपका सेम, ठीक है। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा। आई थिंक इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है आर वन के साथ। अगर आर वन का वैल्यू बैठाएंगे हम, ये इफेक्टिव है ना, आर वन प्लस आर टू क्या होगा, देखिए एल बाय कॉमन है, एल बाय कॉमन है, वन बाई रो वन प्लस वन बाई रो टू, मतलब रो वन रो टू रो वन प्लस, ठीक है। देखिए कोई कोई प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, ये आपका आर है, तो इफेक्टिव क्या हुआ, अगर आप इसको इसका इसको अगर एक ही मानेंगे, एक ही कंडक्टर मानेंगे, और इसका आप सिग्मा ही सिग्मा एस मानेंगे, ऐसे मान लीजिए कि ये दोनों मिला के ये है, तो ये लेंथ 12 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और इसका एक इफेक्टिव जो इफेक्टिव जो आपका कंडक्टेंस कंडक्टिविटी है उसको हम रो एस मानते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम अभी, इसका रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं वन बाई सिग्मा एस 12 बाई ए, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे इसके साथ इसका, कंपेयर करेंगे इसके साथ इसका, कंपेयर कीजिए सिग्मा एस क्या होगा, देखिए इधर पे टू अलग से है, तो सिग्मा एस इसका रेसिप्रोकल होगा, इसको उल्टा दीजिए तो सिग्मा एस मिल जाएगा आपको, और ये जो टू है ये इधर नहीं है, इसको आपको लाना पड़ेगा, ठीक है ना, बोलिए। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, देखिए इसको उल्टा दीजिए तो रो सिग्मा वन सिग्मा टू बाय सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, और ये दो अलग से है इसलिए टू आ जाए आ गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके आप दोनों को कंपेयर कीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ए सर्किट कंटेन्स एन एमीटर कॉमा ए बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 40.8 ओम, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। चलिए तो ये हो गया आपका एक 30 वोल्ट का बैटरी, इसके साथ हो गया आपका 40.8 ओम का एक रेजिस्टेंस और एमीटर, एमीटर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, मान लीजिए 480 ओम है, कॉइल ऐसे ड्रॉ किया हम, एंड शंट ऑफ 20 ओम, इसके साथ पैरेलल में 20 ओम है, ये दोनों मिला के आपका एमीटर है, ठीक है। ये 20 ओम इसके अंदर ही है, बाहर नहीं है, कि एमीटर के साथ आप शंट में एक रेस ज्वाइन किया ऐसे नहीं, एमीटर के अंदर ही है, ठीक है। तो क्या निकालने के लिए बोला है, द रीडिंग इन द एमीटर विल बी, रीडिंग इन द एमीटर विल बी मतलब यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, ऐसा नहीं है कि एमीटर कॉयल से कितना करंट फ्लो होगा, ऐसा नहीं पूछा है, पूछा है कि एमीटर में रीडिंग कितना होगा, मतलब यहाँ पे कितना करंट जाएगा, सिंपल है। 20 और 480 को अगर आप पैरेलल में डालोगे तो पैरेलल में है, तो इसका इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा एमीटर का वो कितना होगा, 20 पैरेलल 480, तो दोनों दो रेजिस्टेंस का अगर पैरेलल में होगा तो फॉर्मूला हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाय दोनों का एडिशन यूज करेंगे, ठीक है। देखिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाय दोनों का एडिशन, तो कितना होगा, 20 इंटू 480 बाय 20 प्लस 480, तो हो गया आपका 20 इंटू 480 बाय 500, तो 96/5, मतलब आपका हो गया 19.2 ओम। तो इधर पे 19.2 सर्किट को हम रीड ऑन करेंगे फिर से, 40.8 उसके बाद 19.2, ये कितना है 30 वोल्ट, तो करंट कितना फ्लो होगा, आई इक्वल टू वी बाई आर है, वी 30 और आर दोनों को मिला के कितना होता है 60, मतलब हाफ एम्पियर, तो हाफ एम्पियर इज द करंट आंसर। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है नहीं, इतना बहुत ईजी है, ठीक है।
अगर पूछा जाता कि ये एमीटर का जो कॉयल है उससे कितना करंट दौड़ रहा है, तो ये नहीं होता, क्योंकि हाफ में से ज़्यादातर करंट शंट से जा रहा है और ये वाला से कम जा रहा है, फिर आपको करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो दो पाँच नंबर और छः नंबर हो गया, चलिए अभी सात और आठ करेंगे। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन के और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या पूछा है, देखिए देयर इज थ्री वोल्ट मीटर ए बी एंड सी, ओके, ईच हैव रेजिस्टेंस ऑफ आर, वन पॉइंट आर एंड थ्री आर रेस्पेक्टिवली। अभी ये दोनों पॉइंट एक्स और वाई के अक्रॉस में अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसका रीडिंग जो होगा, इसका वी ए होगा, इसका वी बी होगा, वी सी होगा, तो ये तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, इसी का चार फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए जब यहाँ पे वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे तो करंट जो होगा इधर पे आई करंट फ्लो होगा, पकड़ लेते हैं। ठीक है, बेटर है कि इधर पे हम आर ले लेते हैं, इधर पे 1.5 ऑफ आर ले लेते हैं, इधर पे 3 आर ले लेते हैं, 1.5 कम 3/2 लिखते हैं, अच्छा होगा। तो अगर इधर पे xy पोटेंशियल अप्लाई करने से इधर पे अगर आई करंट फ्लो होगा तो यहाँ का तो वी ए का रीडिंग कितना होगा, आई इंटू आर होगा, कोई डाउट? वी ए का रीडिंग कितना होगा, आई इंटू आर। अब इसके साथ हम बाकी दोनों का कॉम्पेयर करेंगे। ठीक है, चलिए ये आई करंट जो होगा वो दो हिस्से में डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस, करंट डिविजन रूल मैं सिखा रहा हूँ आपको, अगर मालूम है तो अच्छा है, नहीं मालूम है तो थोड़ा सा सीख लीजिए। इधर पर अगर आर वन होगा, इधर पर अगर आर टू होगा, यहाँ पर अगर आई करंट फ्लो होता है, ये अगर दो डिवाइड हो जाता है दोनों पार्ट में, या आई वन या आई टू, तो आई वन को हम लिख सकते हैं पूरा करंट आई इंटू इसका ऑपोजिट का जो रेजिस्टेंस है ये डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का समेशन। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, आई टू क्या होगा, पूरा करंट आई इंटू ऑपोजिट आई टू आर टू से फ्लो हो रहा है, ऑपोजिट में कौन सा है, ऑपोजिट में आर वन रेजिस्टेंस है, और ये दोनों का समेशन होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भी पकड़ लेते हैं, ये जस्ट फार्मूला के लिए है, इस प्रॉब्लम के साथ कोई नाता नहीं है डायरेक्टली। हाँ, तो यहाँ पे पकड़ लेते हैं कि आई वन करंट फ्लो होगा, इधर पे आई टू, तो आई वन क्या लिख सकते हैं हम, पूरा करंट आई इंटू ऑपोजिट में कौन क्या है, थ्री आर है, डिवाइडेड दोनों का समेशन 4.5 आर होगा, 1.5 इंटू 3 4.5 मतलब 9/2। ओके, ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका 2/3, सो आई वन इक्वल टू हो गया 2i/3। ओके, ये क्या है, ये वी बी है, तो वी बी क्या होगा, वी बी इक्वल टू होगा आई वन इंटू वी बी का रेजिस्टेंस कितना था, 3/2 इंटू आर, तो आई वन क्या है, आई वन पूरा करंट आई इंटू 2/3 ऑफ आर इंटू 3/2। ठीक है, देख लीजिए आई वन क्या है, आई इंटू 2/3 और 3/2 इंटू आर, तो आई आर ही हुआ, कोई डिफिकल्ट है? तो वी ए इक्वल टू वी बी हो गया, तो वी ए भी इक्वल टू वी बी इधर है, इधर भी है, तो चेक करना पड़ेगा कि वी बी और वी सी भी सेम है या नहीं। ठीक है, चलिए इसको 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 हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, नोट कर चुके होंगे आप लोग। तो अभी आई टू कितना होगा, आई टू अच्छा एक देखिए, ये और ये पैरेलल में है, वी बी और वी सी पैरेलल में है, तो पैरेलल में होगा तो वोल्टेज तो सेम होगा ही होगा, वी बी और वी सी तो सेम होगा ही, तो इसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगा, इक्वल टू वी सी हो जाएगा। क्यों, ये और ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने से तो वोल्टेज सेम ही होता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लग रहा है, क्या समझ में आया आप लोगों को, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए अक्रॉस अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, पकड़ लीजिए कि ऐसा है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ कंडक्टर है। ठीक है,
तो द कॉन्टैक्ट इसके दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है. द क्वान्टिटी विच रिमेन कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द कॉन्टैक्ट कौन सा क्वान्टिटी सेम रहेगा डीप वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी और करंट. देखिए ये जो करंट है करंट डेंसिटी जो है ये चेंज होगा क्यों हर जगह पे क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है इसलिए करंट डेंसिटी अलग होगा लेकिन करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा. और करंट डेंसिटी के साथ एसोसिएटेड दो जो जो दो टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड और डीप वेलोसिटी ये दोनों भी चेंज होगा. इसीलिए करंट जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है करंट इज द करंट क्या है करंट चार्ज बाय टाइम है तो कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है देन करंट डेंसिटी क्या होगा हर जगह पे एरिया अलग हो रहा है इसीलिए करंट डेंसिटी अलग होगा. तो इसीलिए करंट है आपका कांस्टेंट. ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि दो सिटी है जिसके बीच में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें एक सिटी से दूसरे सिटी में पावर भेजा जाएगा थ्रू कॉपर वायर. ठीक है तो बीच में कितना पावर लॉस होगा. तो डेटा क्या दिया हुआ है डेटा दिया हुआ है कि पढ़िए आप पर किलोमीटर में 8 वोल्ट ड्रॉप होता है. तो ये अगर ए होगा ये अगर बी होगा तो पर किलोमीटर में अगर 8 वोल्ट करके ड्रॉप होगा तो 150 किलोमीटर में कितना ड्रॉप होगा 1200 वोल्ट ड्रॉप होगा. मतलब इधर से अगर आप 10,000 वोल्ट भेजेंगे तो इधर पे 8,800 ही पहुँचेगा बाकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है और क्या बोला एंड एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5. अरे पूरा पाथ का रेजिस्टेंस कितना होगा. देखिए रेजिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस जो रेजिस्टेंस होगा 100 किलोमीटर का 100 टाइम्स होगा तो 150 किलोमीटर का 150 टाइम्स होगा. एंड रेजिस्टेंस कितना है 150 × 0.5 मतलब 75 होगा. ठीक है तो पावर लॉस कितना होगा पावर लॉस का पी का फॉर्मूला क्या है वी स्क्वायर बाय आर. यूनिट जो होगा वो वाट में होगा जूल में नहीं होगा क्योंकि पावर है एनर्जी थोड़ी पूछे. चलिए तो वी स्क्वायर मतलब 1200 × 1200 और आर से डिवाइड करेंगे मतलब 75. ठीक है 15 2 4 0 उसे इतना होगा 48 इसे होगा आपका 400 ये हो गया आपका 192 00 वाट किलो वाट में करेंगे तो 119.2 किलो वाट मतलब ये है. तो बहुत सारा पावर का नुकसान हो रहा है देखिए ड्रॉप हो रहा है बहुत सारा पावर का. एकदम इजी प्रॉब्लम है एकदम शायद इतने इजी क्वेश्चन में पूछा जाए शायद. ठीक तो सब 2013 में पूछा गया था तो लाकी था बच्चा लोग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछे एक इंटरनल रेजिस्टेंस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल पकड़ लेते हैं 2.1 वोल्ट का सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है हमको विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. अगर हम लोग एक 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे इसके साथ तो इसके थ्रू 0.2 एम्पियर करंट फ्लो होगा. एकदम हलवा सवाल है एकदम इजी है एकदम. देखिए एक बार आप मतलब जस्ट केबल चलाने से हो जाएगा करंट हमको मालूम है. ठीक है बहुत तरीके से किया जा सकता है. ये भी जो है भी 2.2 × 10 मतलब 5 वोल्ट होगा ई माइनस आई आर इक्वल टू भी बहुत सारा नियम है एकदम सिंपल तरीके से करेंगे हम. पकड़िए कि करंट आई है तो आई इक्वल टू क्या होगा आई इक्वल टू ऐसे तो मालूम है ना वी बाई आर है आई इक्वल टू नॉर्मली. तो इधर पे भी कितना है भी 2.1 है आई भी मालूम है हमको आर में क्या है स्मॉल आर प्लस 10 है. ठीक है मतलब 2R+20=21 आर इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5. ठीक है ये भी जो है ऐसे ही पकड़े हम इसको भी पकड़े अब इसको ई पकड़ के भी कर सकते हैं. ओके सो आर इक्वल टू 0.5 ओम दिस इज द करेक्ट आंसर. तो ये है 10 प्रॉब्लम. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एक व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम है. ठीक है तो
इसके लिए मुझे एक क्वेश्चन ब्रिज ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन ब्रिज है जिसका जो आर्म है पी क्यू आर एस। क्वेश्चन ब्रिज ड्रॉ करने के लिए पहले ये फोर पॉइंट ड्रॉ कर लेना है तो ईजी हो जाता है। ठीक है, पहले फोर कॉर्नर ड्रॉ कर लीजिए फिर रेजिस्टेंस डालिए। तो पी क्यू आर एस का रेजिस्टेंस देखिए दिया हुआ है। ठीक है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर है। ओके, और टेनोम द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेलर 7 वोल्ट। सेवन वोल्ट का बैटरी है और 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इफ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 50 ओम देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये यहाँ पे कितना करंट ये ब्रिज ड्रॉ करेगा वो निकालना है। आई होप क्वेश्चन ब्रिज का जो फंडा है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो आपको मालूम है। क्या है ये ब्रिज बैलेंस बोलते हैं हम, जब ए बाई ए इक्वल टू दिस बाई दिस होता है। ठीक है, देखिए ये बैलेंस है, देखिए 3 टाइम्स ये 3 है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस 3 है। तो बैलेंस है मतलब ये गैल्वेनोमीटर जो है, इस गैल्वेनोमीटर का 50 ओम जो रेजिस्टेंस बोले हैं इधर पे, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा। तो सर्किट कैसा होगा? तो सर्किट फिर ऐसे होगा, इसको ये अगर ओपन हो गया तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, ये 5 जो है ये सीरीज में आएगा, ये पूरा के साथ 5 सीरीज में आएगा। इसीलिए मैंने पूरा ये कर रहा हूँ, 10 और 30 क्या है, 10 और 30 सीरीज में है, और 30 और 90 सीरीज में है, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। हाँ या ना बोलिए, ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है और आपस में ये दोनों पैरेलल है। तो 10 और 30 मिला के 40 हो गया, 40 पैरेलल, 30 प्लस 90 कितना हो गया, 120 हो गया। तोड़ के लिखते हैं पहले। ठीक है, ये है आर इक्विवेलेंट, इसके अक्रॉस में ये जो बैटरी है इसके अक्रॉस में ये कितना रेजिस्टेंस फील करेगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका 5 प्लस 40 और ये 120 पैरेलल में आ गया। ठीक है, 40 पैरेलल 120, तो 40 पैरेलल 120 मतलब ऊपर में मल्टीप्लिकेशन होता है और नीचे दोनों का एडिशन होता है, R1 R2 R1 R2। शॉर्टकट है दो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, दो रेजिस्टेंस अगर आपस में पैरेलल में रहे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 R2 R1 R2 R1 R2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन। कितना है ये 120, ये 4 आया था 3, ये 10 मतलब 30, सो 35 ओम। ओके, सो 35 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना होगा, ये 7 वोल्ट है डिवाइडेड बाय 35 ओम, 0.2 एम्पीयर। तो डी हो गया हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है, देखिए फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, एकदम आसान सवाल है, इतना आसान सवाल पूछेगा भी नहीं, लग नहीं रहा क्या इतना आसान सवाल पूछेगा। तो एक वीस्टर्न ब्रिज है, बैलेंस वीस्टर्न ब्रिज है, पी वाई क्यू कल्ट आर वाई एस है। तो बैलेंस मतलब इसका गैल्वेनोमीटर काम नहीं कर रहा है, अभी इस ये कितना करंट भेज रहा है ये हमको निकालना है। तो ये कितना करंट भेज रहा है, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, उसके साथ ये 5 ओम सीरीज में है, ये करंट निकाल, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगेन ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है लेकिन गैल्वेनोमीटर डाला हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक नल डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है कि उसके अंदर से करंट जा रहा है या नहीं। बहुत बहुत कम करंट वो सेंस कर लेता है, माइक्रो एम्पेयर में भी सेंस कर लेता है। ठीक है, तो इधर क्या बोले कि द गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, द वैल्यू ऑफ वीवी इज इन दिस सर्किट, गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन मीन्स देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो दोनों पॉइंट के बीच में करंट कब फ्लो नहीं करेगा, जब दोनों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। हम अगर घर का जो वायरिंग होता है उधर जो न्यूट्रल वायर होता है उसको अगर हम पकड़ लेते हैं गलती से तो शॉक नहीं लगेगा हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हम जहाँ पे खड़े हैं अर्थ में उधर का वोल्टेज भी 0 वोल्ट है और न्यूट्रल का वोल्टेज भी 0 वोल्ट है,
शरीर का रेजिस्टेंस आर ओम अगर आप मान लेते हैं फिर भी करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। न्यूट्रल वायर का भी जीरो है, आप जहाँ पर खड़े उधर का भी जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, करंट नहीं फ्लो होता है। ओम्स लॉ में क्या बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस होने से ही करंट फ्लो होता है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल होगा और ये वीवी के इक्वल होने से दोनों में कोई करंट नहीं फ्लो होगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट है, ये 500 ओम, ये 100 ओम है। तो आप वोल्टेज डिवीजन रूल यूज़ कर सकते हैं, करंट दौड़ा के कर सकते हैं। सिंपल पहले करंट दौड़ा के करते हैं, ये करंट कितना फ्लो होगा इसमें, 12 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 100 मतलब 600 1/50 एम। तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, इसके अक्रॉस में अगर मान लेते हैं वी आर है इसके अक्रॉस में वोल्टेज, तो वी आर कितना होगा आई इंटू 100 2 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस में कितना है वोल्टेज 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट होना चाहिए। 2 - 2 नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, एकदम सिंपल है, ठीक है। देख लीजिए 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट निकालने का और एक तरीका भी है, वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या सिखाता है, डायरेक्ट होगा, ये V है, अगर लीजिए इधर पे एक रेजिस्टेंस है R1, इधर पे और एक रेजिस्टेंस है R2। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप अगर V1 मान लेते हैं आप, इधर का वोल्टेज ड्रॉप V2 मान लेते हैं, तो इधर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इधर पे वोल्टेज ड्रॉप होगा पूरा वोल्टेज V इंटू सेम रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। करंट डिवीजन रूल पिछले प्रॉब्लम में सीखे थे, ठीक है, उसका उल्टा होगा। और V2 कितना होगा, V इंटू सेम R2 / R1 + R2। अभी इस प्रॉब्लम में अगर इसके अक्रॉस में आपको वोल्टेज चाहिए तो क्या करेंगे आप, पूरा वोल्टेज 12 है इंटू सेम रेजिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन 600 आ गया, दोनों तरीके से आएगा, ठीक है। मतलब इसी का प्रोसेस, यही प्रोसेस ही यही आता है, V/R1 + R2 मतलब करंट है, एक ही बात है। अब जिससे कंफर्टेबल है कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम जो है बहुत ही ईजी है, ठीक है। थ्योरी भी क्लियर हुआ, वोल्टेज डिवीजन रूल भी सीख गए, क्वेश्चन बीच का आगे जाके बहुत प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13 और 14। प्रॉब्लम नंबर 13 में देखिए एक एरर का प्रॉब्लम है, क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर था उधर पे एरर का प्रॉब्लम था, वही एकदम सिंपल। साथ में एक पावर का छोटा सा फॉर्मूला चाहिए, पावर का जो नॉर्मल फार्मूला है, दोनों को मिला के ये प्रॉब्लम है, क्लास 11 12 दोनों मिला के, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले प्रॉब्लम में थोड़ा पढ़ते हैं। एक वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट, बल्ब का कैसा रेटिंग रहता है हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, 100 वाट ड्रॉप्स बाय 2.5% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, द परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय विच द पावर वुड डिक्रीज। वोल्टेज का कितना ड्रॉप हुआ है, वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ है उसका परसेंटेज वैल्यू गिवेन है, पावर कितना ड्रॉप होगा या इंक्रीज होगा, कुछ भी डिक्रीज होगा उसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। देखिए बल्ब फिक्स्ड है, तो बल्ब फिक्स्ड होने का मतलब क्या है कि एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है फिक्स्ड है। पिछले बार जो बल्ब का प्रॉब्लम हुआ था उधर बोले थे कि जो बल्ब होता है वो बल्ब का जो रेजिस्टेंस होता है फिक्स्ड होता है, इसीलिए रेटिंग जो है वो देखिए वोल्टेज और वाट में दिया जाता है, रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। कैसे निकालेंगे, V² / P करके निकाल सकते हैं कितना रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस क्या है फिक्स्ड है कि बल्ब चेंज नहीं हो रहा, बल्ब में जो वोल्टेज दे रहे उसको हम घटा रहे हैं, उसको 2.5% मतलब पहले अगर 100 वोल्ट दे रहे थे अभी 2.5% घटा के मतलब 97.5 वोल्ट है। तो पावर जो कंज्यूम हो रहा था पहले पकड़ लीजिए कि 50 वाट कंज्यूम हो रहा था, तो अब कितना कंज्यूम, कितना उसमें कितना घाटा होगा, ठीक है। चलिए तो पावर का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो P = आएगा V² / R। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस,
ठीक है। तो अगर इसको हम एरर निकालना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल पी बाई पी, डेल पी मतलब चेंज इन पी, कितना पी चेंज हुआ और ये ओरिजिनल पी का जो वैल्यू था पहले वाला, ठीक है, मतलब पी में कितना घाटा हुआ, कितना एरर आया वही। तो आर कांस्टेंट है, आर हट जाएगा, वी स्क्वायर जो है, देखिए स्क्वायर है मतलब इसका फॉर्मूला आएगा डेल वी बाई वी, क्यूब रहता तो थ्री डेल वी बाई वी, मतलब एक वोल्टेज में अगर 2.5% होगा तो वी स्क्वायर मतलब दो वोल्टेज है उसमें 5% का घाटा होगा, ऐसा सिंपल है। दो बार को दो बार एरर होगा ना वी के, एक भी एक बार घटेगा फिर एक बार घटेगा क्योंकि इधर दो भी है इसलिए टू आता है, क्यूब रहने से थ्री थ्री होगा। ओके, जो पावर रहेगा वो नीचे आ जाएगा, डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वही है, ठीक है। ये हम क्लास 11 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनमें आप कर चुके हैं। क्या गिवन क्या है, ये डेल वी बाई वी गिवन है, देखिए 2.5% डेल वी बाई वी वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है और ये निकालना है, तो डेल वी बाई पी कितना हुआ हम लोगों का 2 × 2.5% 5%, ठीक है। रेजिस्टेंस का कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट है इसलिए रेजिस्टेंस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो पावर कितना कम होगा, 5% पावर कम होगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा ग्राफ का, आपको देख के समझना है, इक्वेशन देख के कंपेयर करके करना है, ठीक है। ऐसे ही मतलब हाँ ये हो सकता है ये हो सकता है ऐसा नहीं करके देखना है, इक्वेशन में डाल के हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। चलिए क्या बोले कि ए सेल हैविंग एन ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, एज द रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज इंक्रीज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस आर इज गिवन बाय। चलिए इतना पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम पोच देते हैं, ठीक है। इसका अगर हम सर्किट ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा ये सर्किट, ये एक ईएमएफ है हाँ, और यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इधर पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस डाला है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे एरो दिखे सकते हैं, ये रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। जैसे फैन का रेगुलेटर का जो रेजिस्टेंस चेंज करते हैं वैसे ही है, ठीक है। तो क्या प्लॉट किया है, द प्लॉट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस आर, मतलब यह इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस वी हो रहा है, वी और ये आर के साथ कैसे डिपेंड करता है इसका इक्वेशन। तो ये हमको मालूम ही है कि ई के साथ अगर हम माइनस आई आर करेंगे तो हमको वी मिलेगा, हाँ या ना बोलिए, श्योर। देखिए दो केसेस है यहाँ पे, फर्स्ट केस अगर हम कोई भी ग्राफ, जब भी हमको ग्राफ जैसा प्रॉब्लम मिलेगा तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग चाहिए, हम स्टार्टिंग और एंडिंग से बहुत कुछ हम कंक्लूड कर सकते हैं। पकड़े कि इधर का स्टार्टिंग जो है ये होता है ई से हुआ है, इधर ये दोनों का जो स्टार्टिंग है ये जीरो से, तो अब यहाँ से ही हम दो को हटा सकते कि ये दोनों होगा ही नहीं, बाकी दोनों में कंपेयर कर सकते, आसान हो जाएगा, ठीक है। केबीसी के 50-50 कर रहा। तो देखिए अगर अगर ये रेजिस्टेंस को हम जीरो कर देंगे, ये रेजिस्टेंस को जीरो करेंगे, एकदम पूरा आसान दिमाग से सोचिए हाँ, इसको अगर हम जीरो कर देंगे ऐसे शॉर्ट सर्किट, रेजिस्टेंस जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट, आराम से करंट जा सकता है ऐसा, तो ये जो करंट होगा, करंट होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा ऑलमोस्ट, बिकॉज ये रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है ये रेजिस्टेंस। तो करंट अगर इनफाइनाइट होगा, करंट अगर इनफाइनाइट होगा तो वोल्टेज कितना होगा, जीरो होगा। यहाँ पे कुछ ये रेजिस्टेंस अगर जीरो हो गया मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या, वी इक्वल टू आई इंटू आर लिख सकते हैं नहीं, हाँ या नहीं बोलिए, वी इक्वल टू आई इंटू आर लिख सकते हैं। तो इधर पे अगर आर आपका जीरो हो गया, ये रेजिस्टेंस अगर जीरो हो गया तो वोल्टेज तो जीरो ही होगा, इसके अक्रॉस में वोल्टेज जीरो ही होगा, कुछ नहीं सोचना है आपको, ठीक है। ये वोल्टेज कितना होगा, जीरो, यहाँ पे कुछ वोल्टेज आएगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे जीरो वोल्ट होगा, कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वोल्टेज जीरो ही होता, ओके, वोल्टेज घट जाता है, देख लीजिए। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है हम लोगों का,
देखिए ना, एक्स एक्सिस में क्या है, आर है एक्स एक्सिस में, तो आर का वैल्यू जब जीरो होगा तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, इक्वल टू आई, तो आर जीरो हो गया तो वोल्टेज जीरो ही हो गया, तो ग्राफ आइधर ये होगा और ये होगा। अब हम लोगों को चेक करना है इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ का मतलब, ये ग्राफ का आर आप जितना बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा, इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा। मतलब इधर पे अगर आप बहुत सारा रेजिस्टेंस डाल दिए, आर आर होम रेजिस्टेंस डाल दिए, आर के यहाँ पे 1,00,000 ओम रेजिस्टेंस डाल दिए, मतलब वोल्टेज भी बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा है इसका मतलब। इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा बढ़ेगा फिर सैचुरेट कर जाएगा, कहाँ पे, ए ई पे जाके सैचुरेट करेगा। देखिए बढ़ नहीं रहा, यदि ये बढ़ रहा है लीनियरली बढ़ रहा है, अब जितना आर का वैल्यू बढ़ाएगा ये उतना वोल्टेज बढ़ेगा। दोनों में हमको सोचना है कि ये आर का वैल्यू अगर हम इन्फाइनाइट डालेंगे, इन्फाइनाइट मतलब क्या है, सर्किट ये जो है ये ओपन हो जाएगा। आर का वैल्यू इन्फाइनाइट मतलब क्या है, ये सर्किट जो है ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है ये ओपन हो जाएगा आर का वैल्यू अगर इन्फाइनाइट डालेंगे। तो देखिए आर का वैल्यू इन्फाइनाइट मतलब क्या, इधर पर कोई करंट फ्लो होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा, ई माइनस आई आर इक्वल टू वी, करंट अगर जीरो हो गया तो ये वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो हो गया, तो ई इक्वल टू वी होगा। ये हम पढ़े भी है कि जब ओपन सर्किट रहता है तब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ के इक्वल हो जाता है, कोई वोल्टेज खाने वाला नहीं होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ पे कोई करंट है ही नहीं, तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा। मतलब जब भी ओपन सर्किट रहेगा बैटरी का वोल्टेज ही इधर पे आके अपीयर करेगा, तो ये ई ई इक्वल टू वी हो जाएगा उस टाइम। तो दिस इज द करंट, स्टार्टिंग में जीरो क्यों हुआ, रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस अगर जीरो डालोगे आप तो इधर पर कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, वी इक्वल टू आई आर। हमको क्या प्लॉट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो है तो वी इक्वल टू आई आर, आई का वैल्यू कुछ भी हो जाए, आर जीरो है तो वोल्टेज जीरो है। नेक्स्ट केस में क्या किया, नहीं वोल्टेज ऐसे नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज धीरे 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 बढ़ के आप रेजिस्टेंस को कितना भी बढ़ाए, ई का वैल्यू क्या होगा, ई का वैल्यू रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट डाले तो करंट जीरो होगा, ई माइनस आई आर इक्वल टू वी है और ई इक्वल टू वी हो जाएगा। ठीक है, समझिए दोनों चीज़ का अंतर समझिए, अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर का लास्ट दो प्रॉब्लम लेके आए हैं, प्रॉब्लम 59 16। देखिए प्रॉब्लम 15 में क्या पूछा है कि द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वाट, मतलब ये पूरा जो सर्किट है इधर पे 30 वाट पावर कंज्यूम हो रहा है, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है दोनों मिला के 30 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। हम लोग का जो घर होता है यहाँ पे जो वायरिंग होता है पैरेलल में कनेक्शन होता है, तो फैन का 80 वाट, लाइट का 40 वाट, मिला के हम 120 वाट बोलते हैं, तो दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, मतलब ये जो जितना वाट कंज्यूम करेगा प्लस ये जितना वाट कंज्यूम करेगा दोनों मिला के 30 वाट बोला हुआ है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर इज, चार ऑप्शन दिया हुआ है, खुद ट्राई करके देखिए होता है या नहीं, शायद हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरे साथ कंपेयर कीजिएगा। चलिए, तो ये 10 वोल्ट है मतलब ये पैरेलल में कनेक्टेड है सब। ठीक है, तो टोटल कितना है, 30 वाट है। इधर पे पकड़ लेते हैं कि P1 पावर कंज्यूम हो रहा है, इधर पे P2 पावर कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो P1 कितना होगा, ये V है, इधर V जाएगा पैरेलल में है, P1 कितना होगा, V2/R प्लस P2 कितना होगा, V2/R। एक इक्वेशन से काम बन गया, क्या पैरेलल में कनेक्शन है इसीलिए पावर को हम ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, पैरेलल में अगर कनेक्शन होगा तो पावर को हम डायरेक्टली ऐड कर दे सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, देखिए तो 0 कॉमन लेके हम काट दे सकते हैं। चलिए, तो कितना हो गया, 2 होगा, इधर पे जाकर 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 10R होगा, मतलब R इक्वल टू 10 ओम होगा। कितना इजी है, अगर लगे कि सर ये तो टफ लगा है सर, फॉर्मूला P1 P2, दूसरा तरीका भी बहुत ईजी है। ये 10 वोल्ट है तो इधर पे कितना, इधर पे भी 10 वोल्ट जाएगा, तो इधर पे कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर, तो कितना पावर कंज्यूम होगा, I2R। अगर ऐसे 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 बनाना है आपको तो ऐसे ही बना सकते हैं I2R। ठीक है, तो I2R कितना होगा, एक ही बात होगा,
टू इंटू टू आई स्क्वायर इंटू आर 20 वाट हो गया। ये 20 वाट कंज्यूम होता है, इधर पे 10 वाट कंज्यूम होगा, पूरा 30 वाट है। ठीक है, ये पैरेलल में इसीलिए हम इसीलिए 10/5 कर दिए करके 2 एम्पीयर करंट निकाल लिए। ठीक है, ये आई स्क्वायर ऐड करके ये 20 वाट ये 5 ओम कंज्यूम करेगा, तो बाकी का 10 वाट 30 वाट में 20 वाट ये कर खा लिया, तो आर के लिए कितना बचा रहेगा, 10 वाट रहेगा। तो 10 इक्वल टू v² / r और r इक्वल टू v² / 10। v कितना है, 10 है, 10² 8 10, ये 10 आ गया इधर, 10 दोनों तरीका जिससे आप कंफर्टेबल हो उससे कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन एकदम आसान प्रॉब्लम, इतना आसान प्रॉब्लम आएगा नहीं, फिर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं बाद में अच्छा होगा। ठीक है, पहले फर्स्ट टाइम आसान प्रॉब्लम ही करना चाहिए, फिर जाके हम टफ में घुसेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोले, ए करंट ऑफ 2 एम्पीयर फ्लोस थ्रू अ 2 ओम रेजिस्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, द सेम बैटरी सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ 9 ओम रेजिस्टर। ओके, नाइन ओम रेजिस्टर, फुल स्टॉप। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज, तो दो कंडीशन दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये बैटरी जो है इसका ईएमएफ हमको मालूम नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी मालूम नहीं, तो दो अननोन चीज़ है, तो दो इक्वेशन चाहिए होगा हमको। ठीक है, तो करंट कितना होगा, आई इक्वल टू ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये कितना है मालूम नहीं, ये आर कितना है 2 ओम प्लस। ठीक है, और आई ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पहले केस में 2 एम्पीयर, 2 इक्वल टू e/2+r, मतलब ई इक्वल टू हो गया आपका 4+2r फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या बोले, सेकंड केस में देखिए हमने कनेक्टेड अक्रॉस 9 ओम रेजिस्टेंस गिव्स 0.5 एम्पीयर करंट, तो अभी 9 ओम हो गया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 0.5 मतलब हाफ, बैटरी तो चेंज नहीं हो रहा है, बैटरी तो दोनों केस में सेम ही है ना, देखिए बैटरी तो सेम ही है। ठीक है, तो ये जो बैटरी देखिए, इसलिए ई भी नहीं चेंज हुआ, आर भी नहीं चेंज हुआ, बैटरी सेम है, इसी तो ई के जगह पे 4+2r बैठा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से 9+r = 8+4r, इधर पर जाएगा तो 3r = 1 होगा। ठीक है, -3r = -1, r = 1/3 होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, सी करेक्ट था। ठीक है, देख लीजिए, अच्छा तो आज के लिए इतना ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में और भी पिछले साल का भी प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। पोटेंशियोमीटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, जो नीट आने वाला है ECR नेक्स्ट ईयर में, पोटेंशियोमीटर बहुत हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी है पोटेंशियोमीटर के बारे में, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, पोटेंशियोमीटर के लेक्चर का अलग से। पोटेंशियोमीटर का 10-12 बढ़िया प्रॉब्लम जो प्रीवियस से नीट में आया, उसके साथ दो एक प्रॉब्लम वो डाल के पोटेंशियोमीटर का अलग से हम एक लेक्चर डालेंगे। ठीक है, कंट्रिक्सिटी में ही प्रीवियस ईयर नीट और जो AIPMT का क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ही वो सब क्वेश्चन का अलग से, पोटेंशियोमीटर का एक अलग से लेक्चर। ठीक है, चलिए तो जो 16 प्रॉब्लम किए हैं एक कॉपी कीजिए अलग से, उसमें नीट का पूरा रिविजन कीजिए ऐसे, क्योंकि ये बाद में जब आप कॉपी खोलेंगे देखने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो ऐसे था ऐसे था। ठीक है, ऐसे नहीं कि लेक्चर देख लिए ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप कॉपी में पूरा प्रॉब्लम ऐसे लिख के नोट डाउन कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई दूँगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।